ऐसे इंस्ट्रूमेंट कलयुग में मालिक ने बनवाए हैं, ये प्रोजेक्टर टेलीविजन, हाथों हाथ सच्चाई देगा मेरा दास जा करके, वो नकलियों के दिखाओगा नकली अनुभव और सदग्रंथों को दिखाएगा कि जिन महापुरुषों को मिले उन्होंने ये भक्ति की, यही हमारे सदग्रंथ बताते। तो एक मिनट में उन सब की खाल तार कर रख देगा, सब बच्चे मुझे पहचानेंगे और मेरे पास आ जाएंगे फिर छोड़ छोड़ के। चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपना पंथ अंश पठाई, कालबंध छूटे नर लोई, शुक्ल सृष्टि परवानिक होई। सारी सृष्टि परवानिक यानी पूरा विश्व नाम लेगा। कलयुग बीते 5500 पाचा, जब यो वचन मेरा होगा साचा। आज जो धर्मदास मैं तुझे बता रहा हूं कि एक दिन इन सभी नकलियों का पर्दाफाश कर दिया जाएगा और ये सभी पंथ खत्म हो जाएंगे। जब सच्चाई से परिचित होंगे सब मजहब के लोग भी, सत्य को स्वीकार करके पूरा मानो एक होगा और भक्ति करेंगे और इन प्रमाणों से इतनी प्रभावित होंगे, फिर वो सभी नाम लेंगे, पूरा विश्व नाम लेगा। तो वो समय अब आ गया पुण्यात्माओं। अब क्या है कि जो भी किसी पंथ से जुड़े थे या कोई अपनी परंपरागत साधना कर रहे थे, घर की पूजा होती है, उनको करते करते आज आपकी क्या हालत हो चुकी है? किसी को शांति नहीं, किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, किसी की बेटी विधवा होगी, किसी का पोता मर गया, किसी को कैंसर होगी, किसी को और अन्य समस्याएं पैदा हो रही हैं, और वो भक्ति अब भी कर रहे थे, उन्हीं पंथों से भी जुड़े जुड़े उनका उनका कति विनाश हो लिया, सर्वनाश हो रहा है। अपराधा स्वामी पंथ से, धर्त दंडन सतगुरु पंथ से, आसाराम से, इन सब से, ये कुमार स्वामियों के वहाँ भटक गए और उनसे कोई लाभ ना मिला, कति सर्वनाश हो लिया। अब यहाँ रहे, रो रहे हैं, अब कोस रहे हैं उनको कि हमारा जीवन खो दिया 20-20, 30-30 वर्ष, अब क्यों कैसे संतोष होगा उन पुण्यात्माओं के, एक अनमोल जीवन को नाश हो गया। अब तो पता नहीं था उनको अभी तक कि इतनी कीमत है इस मनुष्य जीवन की, यहाँ आने से पता चलेगा ये कितना कीमती है। और अब यहाँ आते हैं और कोई कहता जी मैंने 20 वर्ष हो गया राधा स्वामी में था, इतने दुख गिनवाता है, मुझे भी रोना आने को हो जाता है। और फिर उसको कहा जाता है तू वहाँ 20 वर्ष खो दिए, अब यहाँ 20 महीने या साधना करके देख ले, तेरे वारे न्यारे ना हो जाते, बेशक कद्दे छोड़ दिए। फिर अब भगवान मिलेगा तो सारे काम भगवान वाले ही करेगा। तो कहने का भाव दास का ये है कि फिर वो परमात्मा आपको राहत कैसे देगा? भाई गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। अब गुरु के बिना जो दान आप करते थे, जैसे बगैर ज्ञान के दान तो करते ही हम डटा नहीं, जा रुक नहीं सकते। परमात्मा कहते हैं कि धर्म बिना धापे नहीं, ये प्राणी प्रपंच आस प्राणी क्यों करे, तन दिया हो तो संच। कहा कि इस धर्म करे बिना पुण्यात्मा जो अच्छी आत्मा होती है उनको संतोष हो ही नहीं सकता, वो कोई ना कोई धर्म की जरूर कोशिश करते हैं करूं। तो वो कर्म शास्त्र विदिता का मनमाना किया गया, धर्म कर्म कोई भी पूजा वो व्यर्थ बताई, गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में। तो वो जो साधन धर्म करते भी थे हम, क्योंकि सबकी कोशिश थी धर्म करें, रुक नहीं सकते। जब हमें धर्म कर्म का पता क्या था, एक आम परंपरा बनी हुई थी कि हम हनुमान के पुजारी थे ये दास, और मंगलवार को 100 रुपये का प्रसाद बांट दिया करते, जिस दिन 5:15 का बांट देते उस दिन घनी खुशी बनाया करता, तो बड़ा दान कर दिया, बहुत बड़ा। और किस कोई उसका 100 मणि ला देता हो तो साल 2 साल में कदे बात बनाया करती, तो उस तो बड़ी खुशी बनाया करता, बहुत बड़ा पुण्य कर दिया। जानकारी व संत रामपाल जी महाराज जी से निशुल्क नाम दीक्षा प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 8
8 2 2 2 8 8 0 5 4 1 8 2 2 2 8 8 0 5 4 2। आप नीचे स्क्रीन पर दिए गए हमारे अन्य नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। विजिट करें हमारी वेबसाइट पर। हमारी वेबसाइट है www.jagatguru.rampalji.org। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें। स्वागत है इस चैनल नू सब्सक्राइब करो ते इस चैनल ते असी पॉजिटिव स्पिरिचुअल ते रूह नू सुकून देन वालियां वीडियोस अपलोड करांगे। आओ सारे रल मिलके इस चंगियाई नू अग्गे वधाई। धन्यवाद।